डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एच जूहर बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? तो इस एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड सारी जो नॉलेज है वो अपने को मिलेगी, कि कैसे उसका सेटअप होता है, कौन कौन से एपरेटस हम उसमें काम में लेते हैं, तो कैसे होता है, तो समझते हैं पूरे को। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, जो एपरेटस उसमें यूज होते हैं उन सबको हम शो करेंगे यहाँ पर। तो समझते हैं देखो क्या है। तो सबसे पहले अपने को ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना है, ताकि इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहे। क्लियर है? इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी इस टॉपिक में। तो देखो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब ली हमने, तो ये है अपनी वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है? इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। ये सपोज दैट कैथोड है और ये है एनोड। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो इसको समझना थोड़ा सा क्या है। यहाँ पर देखो, अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो उस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर माइक्रो एमीटर हम यूज़ करते हैं, बिकॉज एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। करंट बहुत छोटी है, माइक्रो कोटि की है, तो उसके लिए हम माइक्रो एमीटर यूज़ में लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा दिया, जो इस सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसको मेजर करेगा। अब नीचे जो भी हम सेटअप बनाएंगे वो सब यहाँ पर कैथोड और एनोड के ऊपर जो वोल्टेज है उसको चेंज करने के लिए यूज होगा उसका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिवर्सिंग की यूज करते हैं। क्या होती है रिवर्सिंग की, अभी डिस्कस करते हैं। एक बार डायग्राम को देख लो थोड़ा सा, तो कुछ इस टाइप से होती है। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम को बना देता हूँ। तो ये है रिवर्सिंग की, इस की का जो वर्क होता है ये होता है, जब हम चाहें एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज देनी है तो पॉजिटिव दे देंगे, जब चाहें नेगेटिव देनी है तो इसको चेंज कर करके नेगेटिव दे देंगे। देखो अभी डायग्राम पूरा होने के बाद आपको क्लियर इसका फंक्शन समझ में आएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सर्किट की जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हमने माइक्रोमीटर लगा दिया। अब इस सर्किट की जो वोल्टेज है, सॉरी, करंट को मेजर करने के लिए तो माइक्रोमीटर लगा दिया, वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे सर्किट में। तो यहाँ पर हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, और वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगता है और एमीटर लगता है सीरीज में। क्लियर है? ये जब इलेक्ट्रिसिटी का आप चैप्टर पढ़ा है आपने, तो वहाँ पर आपने सीख लिया होगा कि एमीटर सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। अब वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा देते हैं, इस टाइप से, ये उसका सिंबल होता है। तो ये है अपना एक पोटेंशियल डिवाइडर, इस पूरे को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। ये रियोस्टेट की तरह ही आप काम करता है, ये रियोस्टेट है जिसे वोल्टेज आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ओके, उसके लिए यहाँ पर एक बैटरी हम यूज कर लेते हैं इसको वोल्टेज देने के लिए, कैथोड और एनोड को। तो यहाँ पर हम एक बैटरी यूज कर लेते हैं, डायग्राम देख पा रहे हो, इसके नीचे